नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो आज हम मौजूद है अमर स्ट्रीट थाने के पास, जहां पर आप और पीछे देख सकते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो रहा है खाना का। जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसके तहत 38 नंबर वार्ड की मेंबर है सोनाली मिश्रा जी, उनके सहायता से यहाँ पर वितरण हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं उनसे, जो लोग को डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रही है उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए, हम पूरा लॉकडाउन में हम लोग काम किए हैं ऐसे ही, कम्युनिटी किचन से लेके सैनिटरी नैपकिन से लेके शुरू करके ड्राई राशन से लेके अभी देखिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रेगुलर हम लोग का कोई ना कोई काम चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है मानुषेर साथे थकते हुए मानुषेर पाशे थकते हुए। तो हम लोग राजनीति से आगे निकल के हम लोग समाज सेवा में ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, तो वैक्सीनेशन तो हो रहा है। देखिए, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है केएमसी में, हर हेल्थ होम में, आप लोग जानते ही है, कोविशील्ड कोवैक्सीन सब जगह मिल रहा है। और दूसरी बात है, अभी देखिए बहुत जगह में बहुत सारे संस्था भी आगे आके अभी कर रहे हैं। ममता दी तो बोली है सबको वैक्सीन लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। इसके लिए ममता बनर्जी जो है हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग की जो दल नेत्री है वो काम कर रही है और ऐसे ही हम लोग काम करते जाएंगे। आगे देखिए, हम लोग एक बाजार जैसा प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे सारा कुछ रहेगा, राशन से लेके साग सब्जी से लेके मछली से लेके सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सोचे हैं कि इंसान के पास रहना है, इंसान के साथ रहना है। और हम लोग लास्ट संडे भी हम लोग गए थे आपका मेदिनीपुर गए थे, वहाँ पे भी हम लोग ताजपुर में जाके देखे कैसे यश विध्वस्त जैसा इलाका है वहाँ पे, कैसे वो लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। सब लोग जा रहे हैं, ममता बनर्जी का सारा लोग वहाँ पे काम कर रहा है। हम लोग भी गए थे त्राण लेके, त्राण सामग्री सारा राशन फूड पैकेट त्रिपाल ये सब लेके गए थे। आशा करते हैं वो लोग जल्दी जल्दी ये परिस्थिति हम लोग संभाल सकेंगे और अच्छा रहेंगे। मैम, आगामी दिन कुछ लॉकडाउन में बढ़ाया गया है, उसके बाद आप लोग किस प्रकार से उसके खास तौर पे काम करेंगे जो लॉकडाउन में बढ़ाया गया है? देखिए, लॉकडाउन सोच समझ के ही बढ़ाया गया है। आप लोग देखे हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप का लॉकडाउन था उसमें कितना कोरोना कम हुआ है, संक्रमित बहुत कम हुआ है बंगाल में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी का जो ये स्टेप है, जो सरकार का ये स्टेप है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और हम लोग को लगता है कि दुर्गा पूजा आने से पहले ही ये कोरोना काल चला जाएगा। मैंने सोनाली मिश्रा हमेशा 500 आदमी 700 आदमी रोज खिलाता है, अपनी गरीब आदमी को हरदम सेवा करता है। और जब भी किसी का असुविधा होता है तो कूद पड़ता हुआ पड़ी। जो तूफान तो आने वाला था वो ले आकर सिटी कॉलेज में रख के सबको खाना खिलाया, उसके बाद मास्क दिया, हर एक चीज़ दिया उन्होंने, हरदम सबका पीछे रहता है सोनाली मिश्रा। तो सर, आगे किस प्रकार का प्रोग्राम करने वाले आप लोग कुछ बता पाएंगे? कल हम लोग ताजपुर में गया था, आगे भी रोज हम लोग का रोटी सब्जी अचार यहाँ गाड़ी लगा रहता है, 500-700 आदमी का रोज खिलाता है। और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं जो 15 दिन और चलेगा, हर आदमी का पीछे रहता है। जैसा कि आपने देखा, इनने कहा सोनाली मिश्रा जो है टीएमसी के प्रेसिडेंट थी और प्रवक्ता भी थी कोलकाता के दौर पे, जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र की ओर से प्रवक्ता भी थी सोनाली मिश्रा जी। और यहाँ पर और लोग मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, जो आप लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग का, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? भाई, सोनाली मिश्रा को, वही करता धरता है, हर कार्य को वो आगे बढ़ा रही है, उसके साथ हम लोग हैं। और हम लोग चाहेंगे हमेशा कि अच्छा कार्य हो जिसमें हम लोग को मौका मिले और सबको सुविधा मिले, दुख सुख के साथ हम लोग खड़े रहें, यही हम लोग चाहते हैं। जस्ट तूफान जो आया था, इस तूफान में आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम किया इसको लेकर? इस प्रोग्राम में तो काफ़ी प्रोग्राम किया गया, यहाँ पर खिचड़ी खिलाना, घर में ले जाना, कॉलेज में रखना, अभी ताजपुर भी हम लोग गए इस रविवार को ही जाके, वहाँ पर भी अन्ना दे के आए सबको, बहुत कष्ट में वो लोग हैं, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं। आगे भी अच्छा का प्रोग्राम करते रहेंगे? ये जब तक हम लोग से होगा हम लोग करते रहेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। अच्छा कार्य हमेशा आदमी करना चाहिए, सुख दुख हो या ना हो, जहाँ भी दुख हो वहाँ खड़े हो जाओ, ये हम लोग का कहना है। आज करीबन कितने लोगों का आपने भोजन वितरण किया? 400-500 आदमी करीब।
आगे भी करते रहेंगे इस प्रकार से? बिल्कुल 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 डेली। अभी फिर हम लोग का बाहर जाने का कार्यक्रम है, कुछ जाब हमारा बाहर हिमलगंज जाएंगे, वहाँ भी काफ़ी लोग बहुत दुखी थे। फिर सुंदरबन का प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ तकलीफ में हैं लोग वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, जो भी हम लोग से हो रहा है थोड़ा बहुत उसका सेवा कर रहे हैं। सर अभी आज आपने 500 लोगों को भोजन वितरण किया, आगे भी कितने लोग करने का आप लोगों की चेष्टा रहेगी? इसी तरह रहेगा और इसके आगे भी बढ़ेगा, जितना आदमी बढ़ेंगे उतना करेंगे, उससे कम नहीं होगा। सर चाहे बारिश हो चाहे आंधी, हाँ एकदम पक्का, हाँ एकदम पक्का, हाँ हम लोग इसके लिए अग्रसर है और हमेशा तत्पर रहेंगे। इसमें ममता बनर्जी के हाँ पूरा उनका, बिना उनके सहायता से होगा नहीं, तो वो आगे हैं, हम लोग उनके पीछे हैं और हमारी जो सरनाली दी है उनके ऊपर है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से सोनाली मिश्रा तब से 500-700 आदमी के रोज करवा रहा है। कल हम लोग को वहाँ पर ताजपुर में, ताजपुर से आगे वहाँ जाके 500 आदमी को हम लोग बांट के आया सोनाली मिश्रा का तहत। हाँ और सोनाली मिश्रा जब भी आदमी का असुविधा होता है सबको उठा उठा मिल, सबको खाना देता है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है या पिछले बार भी एक साल पहले भी जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तब भी जब लॉकडाउन हुआ या इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ है, तब से बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने ममता बनर्जी के निर्देश पे, अभिषेक बनर्जी के निर्देश पे हम लोगों ने पूरे बंगाल के हर जगह हर कोने में, मुझे लगता है कि बंगाल में जितने ये समाज सेवा की जा रही है, भोजन बना हुआ भोजन या सूखा राशन दे करके यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को कहीं भी इस सिचुएशन में भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़ा। दूसरे राज्यों में लोग भूख से मरे, खाने के अभाव में मर गए, मगर बंगाल के लोगों को बहुत ही सफिशियंट सूख, चाहे सूखा खाना या बना हुआ खाना यहाँ के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी का जो निर्देश है कि राजनीति करें मगर समाज सेवा के साथ, इस निर्देश को मानते हुए सभी लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ स्वर्णाली बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चला रही है बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ के अंचल के लोगों को भोजन करवाना, सूखा राशन देना और तमाम तरह की सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ पर एक्टिव है काफ़ी दिन से। सर जो वैक्सीनेशन के लिए कुछ बोलेंगे सर, वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए वैक्सीनेशन में अभी भी हमारा जो शहर है कलकत्ता या पश्चिम बंगाल, आज भी अव्वल जो लिस्ट है जो राज्यों का कि जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें बंगाल और कलकत्ता शहर का नाम है। बावजूद इसके कि केंद्र सरकार अभी भी पूरी तरह से वैक्सीन यहाँ पर नहीं उपलब्ध करवा रही है, यहाँ पर दोहरी नीति की जा रही है बंगाल के साथ में, इसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने वैक्सीन खरीद करके और यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पर लग रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अभी बंगाल के अंदर ये जो कोरोना का जो दूसरा लहर आया था ये लहर काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल हो चुका है, और कलकत्ता में हम लोग कई अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, अब अस्पतालों के अंदर कहीं भी मरीज ज़्यादा नहीं है, मरीज कम है, बहुत बिल्कुल ना के बराबर मरीज हैं, और यहाँ कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है। लोगों ने काफ़ी यहाँ पर लॉकडाउन के समय में अपने आप को बचा करके और इस शहर को महफूज रखा है। लाओ लाओ लाओ
तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनके आह्वान पर यहां पर लोगों का करीब 500 लोगों तक के लिए खाना वितरण किया गया है और आगे भी किया जाएगा। जिस प्रकार अभी इन्होंने सामने बात की तो इन्होंने कहा कि इसके बाद आने वाले संस्था में एक बाजार टाइप का होगा जो प्रोग्राम से बाजार में जैसे खाना हो, चावल हो, दाल हो, मछली हो या हर प्रकार की सब्जी वगैरह सब कुछ वितरण किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे कि आप इसी प्रकार जिस प्रकार ममता बनर्जी हो चाहे नॉर्मल कोई भी संस्था जिसके तहत लोगों के लिए भोजन प्राप्त किया जा रहा है तो आगे भी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।